हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा जो एनिमल्स है वो देखते हैं कि यह है एक माइक्रोस्कोपिक और एक कोशिकीय जो एनिमल्स है, ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल्स है और ये बिल्कुल फ्रेश वाटर के जो सरफेस में पाया जाता है, नीचे पैंदे में पाया जाता है। इसमें देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है और इसकी बॉडी के ऊपर सूडोपोडिया निकले हुए रहते हैं जो उनका लोकोमोशन में काम करते हैं। बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा के द्वारा बना हुआ होता है। एंडोप्लाज्म में जो केंद्रक होता है, इनकी जो खाद्य रिक्तिकाएँ होती हैं वो कुंचनशील रिक्तिकाएँ होती हैं। हम देखते हैं कि यह है प्रोटोजोआ का एनिमल्स है और प्रोटोजोआ के एनिमल्स के करेक्टर्स है कि यह माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल है। यह सिंगल भी रह सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है। इसका जो क्लास है वो सार्कोडिना है और सार्कोडिना क्लास का जो करेक्टर्स होता है वह यह होता है कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स या सूडोपोडिया होते हैं। इनका ऑर्डर होता है वो है लोबासा। तो लोबासा में क्या होता है, ब्लंट और लोब्स आर प्रेजेंट और वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सब ऑर्डर होता है इनका न्यूडा, मतलब कि होता है जिम्नोबिया। जिम्नोबिया यानी कि इनके जो बॉडी पर क्या होता है, उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब लोकोमोशन जो काम आते हैं वो सूडोपोडिया होते हैं, वेल डेवलप ऑर्गन आर एब्सेंट। और इनका जीनस अमीबा होता है। अब अपन बात करते हैं कि इनके करैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके करैक्टर्स में हम देखते हैं कि यह एक यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, फ्रेश वाटर से भरे गड्ढे तालाब या उनके तल में पाया जाता है। बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंजेबल होती है, बदलती रहती है और सेफलेस होता है। ये बॉडी से हर समय अपनी उंगली के स्ट्रक्चर के यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सूडोपोडिया निकले रहते हैं जो इनको लोकोमोशन व उनका जो फूड को कैच करने के काम आता है। इनमें बॉडी के ऊपर प्रोटोप्लाज्म बाहर के एक्टोप्लाज्म व अंदर एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म बॉडी के एक सूक्ष्म आवरण जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, उसके द्वारा यह बना होता है। यह ट्रांसपेरेंट एंडोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस व फूड वैक्यूल्स तथा एक कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स में होता है। और इसका जो एक स्पीसीज है वो है अमीबिया प्रोटियस। और इनके देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदलता हुआ पाया जाता है। इसी कड़ी में अपन जो कॉमन करैक्टर्स इनके पढ़ रहे हैं, तो इसी करैक्टर में अपन युगलिना का पढ़ेंगे। तो युगलिना का भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होता है, यूनिसेलुलर होता है और जल से भरे बरसाती गड्ढे होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनमें तैरता हुआ पाया जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो धागेनुमा होता है और इनका आगे का भाग ब्लंट होता है और पिछला भाग शार्प होता है। इनका जो सेल्स जो है इनका माउथ पार्ट, वह एक ग्रासिका में खुलता है और वह सेल्स ग्रासिका से बड़ी रिक्तिका में जाके जुड़ती है। तो इनका जो आगे वाला जो पार्ट होता है वह दो जो फ्लैजिला होते हैं उनमें डिवाइड होता है, जिससे रिजर्वायर के निकट एक लाल स्टिग्मा, जो इनका लॉन्ग फ्लैजिला व नीचे की ओर एक फोटोरिसेप्टर पाया जाता है। तो एक न्यूक्लियस व कई लंबे क्लोरोप्लास्ट, पैरामाइलम्स और उनका स्टोर्ड फूड और एक कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यह भी जो फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल्स है और सब फाइलम इनका प्लाज्मोड्रोमा होता है।
और इनमें जो लोकोमेट्री का जो काम करते हैं लोकोमोशन का, वो फ्लैजिला होते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं, या सीलिया होते हो सकते हैं या नहीं भी होते हैं। और मेस्टिगोफोरा जो इनका क्लास होता है, और इसका जो लोकोमेट्री वह फ्लैजिला से होता है, और न्यूट्रिशंस इनका जो फ्रा जो लाइट के द्वारा है, या ऑटोट्रॉफिक्स और प्राशनवर्तन या हेटरोट्रॉफिक टाइप्स का होता है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और ये पैरासाइटिक होता है। इनका जो सब क्लास है वो फाइटोमेस्टिगिना है। इसमें देखते हैं कि यह है, इसमें जो क्लोरोफिल युक्त प्लाज्मिड होते हैं और प्रकाश पोषिता तथा पादम सब पोषण पाया जाता है। अधिकांश ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में होते हैं, और इनमें पैरामाइलम्स या स्टार्च के रूप में जो फूड है वो स्टोर्ड होता है। ऑर्डर इनका यूग्लिनाइडिना है। इनमें देखते हैं कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर स्ट्रक्चर में होती है। एक या दो इनके फ्लैजिला पाया जाता है। क्रोमेटोफोर हरे इनके ग्रीन कलर के होते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं, और इनमें पैरामाइलम्स जो फूड स्टोर्ड होता है। और इसमें देखते हैं कि यह जो एनिमल्स होता है वो हमेशा जो बरसात के गड्ढे या पॉन्ड्स होते हैं उनमें बहुत आहिस्ते तैरता हुआ मिलता है। स्पिंडल शेप्ड तथा करीब 1 mm लंबा होता है इनका बॉडी, और इनका जो आगे वाला पार्ट होता है वो ब्लंट होता है, पिछला इनका बिल्कुल शार्प होता है। तो जो आगे वाला भाग होता है उनको कोशिका मुख या साइटोस्टोम होता है, जो एक इनका साइटोफेरिंग्स में खुलता है, और साइटोफेरिंग्स एक जो बड़ी वैक्यूल्स होती है जिनको रिजर्वायर होता है उसमें से वो है जुड़ी होती है। और सभी इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो इनका जो खाद्य भक्षण के लिए नहीं परंतु इनके बॉडी में फालतू द्रव फेंकने के काम में आते हैं। इनके आगे वाले भाग में दो फ्लैजिला होती हैं, एक लंबी जो शरीर के बाहर दिखाई देती है, जबकि एक बहुत छोटी जो शरीर में जो बाहर निकली हुई नहीं होती है। दोनों फ्लैजिला दो दो बेसल ग्रेन्यूल्स से निकलती हैं और उनका रिजर्वायर के नीचे स्थित होती हैं। रिजर्वायर के पास में एक लाल स्टिग्मा अथवा आई स्पॉट पाया जाता है, और वह लंबी खशाब के नीचे एक और फोटो रिसेप्टर्स होता है। इन सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बॉडी में एक न्यूक्लियस तथा कई साइटोप्लास्ट या पेरेन्काइमल्स फूड रिजर्व्स और उनका कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स होती हैं, और इनके जो हैं वो सारे का सारा जो एनिमल्स है वो इस तरह से अपनी हैबिट और हैबिटेट शो करता है।